गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेल्दी बाउल के साथ। मेरा तो फर्स्ट मील आ चुका है, लेकिन किसी का फर्स्ट मील अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मम्मा सब आंटी ने क्या करा, ओट्स और वो सब डाल के शेकर में तो डाल दिया, लेकिन किसी ने केले ही नहीं मंगाए थे इसके लिए भाई कल। और ऑर्डर करके इसने सिर्फ मेरा ये ग्रीक योगर्ट मंगा दिया और केले ऑर्डर करना भूल गई, जबकि केले ज्यादा जरूरी थे यार। गाइस पहले मैंने केले एक उस पे देखे। माना तू मेरी टीम के अंदर है, माना तू मुझे मेरा ध्यान ज्यादा रख रही है, लेकिन उसका मुझे ध्यान रखना है तो इनडायरेक्टली तुझे ध्यान ज्यादा रखना है। यार क्या है, सबसे पहले केले आने चाहिए थे। एप्स का कंफ्यूजन हो गया गाइस, एप्स का। इनकी जो चीज इनके क्या बोलते हैं, इनकी जो चीज है वो दूसरे ऐप पे मिलती है, उसकी वो दूसरे ऐप पे मिलती है, एक दूसरे पे मिलती नहीं, कंफ्यूजन हो गया। तो 5 मिनट में केले आ रहे हैं गाइस, क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत गर्म रहता है हमारे जयपुर के अंदर, तो हम लोग ऑर्डर अपने ऑनलाइन कर देते हैं, चाहे केला हो, तरबूज हो, फल फ्रूट्स हो या कुछ भी हो। ये भयंकर गर्मी, मतलब बहुत ही ज्यादा। और पता है हर जगह पे गर्मी बढ़ती आ रही है बहुत तेज, हर कोई स्क्रीनशॉट ये डाल रहा है 40 डिग्री 43 डिग्री। अरे बाप रे, बहुत। अब मैं तो कल हम लोग घर वालों के गए ना, क्या सीधी धूप आती है, मतलब हमारे जो नया घर में ना, मतलब नए घर में, वहाँ इतनी बुरी गर्मी लग रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा वहाँ पे। एसी नहीं चला रखा था? नहीं चला रखा था, बट वही है ना सूरज, 2 मिनट बाहर भी जाओ तो इतनी भयंकर गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है। 34 डिग्री है बस, तो मजा आएगा 45 तक जाएगा, जब आत्मा ही सूख जाएगी पूरी की पूरी। भाई मुझे लग रहा है टेम्परेचर ज्यादा, आज पता है क्या हुआ यहाँ पर, अपने घर के यहाँ का बिल्डिंग का पानी सूख गया शायद पूरा। आज सुबह सुबह सीन ये हुआ कि एक्चुअली हम लोग तो क्या यार, जब ही देखूं मैं तो बोलने वाला था कि नल में प्रेशर कम आ रहा है, मानो नल ठीक कराना है अपने को। पानी खत्म हो गया पूरी बिल्डिंग का ही, पता नहीं कोई ब्लॉकेज है किसी की वजह से ना। नीचे ना कम से कम 30-40 लोग, हमें तो मेड आंटी ने बताया कि 30-40 लोग खड़े हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। खोलू क्या? ये क्या है, ऐसा लग रहा है यार, तकिया चद्दर कैसा लग रहा है ये? मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि तकिया चद्दर है। ये तूने कब मंगा लिया? प्रीपेड है ये तो। क्या? पर मैं तो प्रीपेड कर ही नहीं सकती। ये कब आया? किसी ने भेजा होगा। कोई तकिया चद्दर क्यों भेजेगा? मौसम आंटी चाकू लेना। ये भेज सकता है। मौसम आंटी भी खड़े होकर देख रही थी क्या निकलेगा। रुक जा मैं करूं। आ! ओ खुल गया। कैसे चिल्ला रही है देखना। बैग और इसमें बहुत लाएगा पिंक समर सेल। ओ भाई बहुत सारी चीजें आई है। मुझे लगा मेरे काम का कुछ आ गया होगा यार, मैं चद्दर भी चलूंगा नहीं अपने बेड पे। वाओ कितना क्यूट भेजाना इन्होंने ये बैग, चद्दर बैग सूट कंबल सब हो गया। लो खोलती हूं इसमें क्या क्या है। आओ दोस्तों लेट्स। ओह देख लो चद्दर के बाद। तो तूने मेरा नहीं मारी मुक्की की? झोला तो अच्छा है, मेरी हेल्प कर दे, मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता सर, कोई भी मेरे नहीं है बस। मेरे बिना अधूरी है तू। भाई लोग की सोचने में कितना टाइम लगा। अभी से पता कैसे करें? शुवाक 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 आलू चाट। अभी भी नहीं भाई, आलू चाट वाले को बुलाना पड़ेगा ये तो खोलने के लिए। भाई क्या पैकिंग करी है, कोई खोल ही ना पाए। ओए 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 आराम से। हर्बल एसेंस आर्जिन ऑयल लाइक अ पिंक सेल। क्या क्या बनाए गाइस? दाल चावल, बेले की सब्जी, टमाटर। बेले? बेले क्या होता है? गट्टे यार, यू डोंट नो बेला। मैं भी नहीं बताता। मौसम आंटी मेरा टमाटर का है। आजकल तो कोई और दाल चावल रोजाना खाने लगा है, क्या असर है मेरा इन्फ्लुएंस देखो एक नंबर। ये तेरा इन्फ्लुएंस नहीं है, ये मेरे जिम ट्रेनर का इन्फ्लुएंस है। अरे वो ही जा जो मुझे रोज मतलब घर का इंसान बोले ना तो किसी को समझ में नहीं आता कि दाल चावल खाओ, इनमें खूब अच्छी प्रोटीन है, सब कुछ है, लेकिन क्या बाहर का कोई बोलता है तो इनको अकल आती है। घर वालों की वैल्यू नहीं करता कोई भी, पास वालों की कोई वैल्यू नहीं करता। भाई एक नंबर का झूठ है, ये बात तो तेरे पे लागू होती है वैसे तो, बाकी मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ मैं मजबूरी में खा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि हाँ भाई खाना अच्छा लग रहा है मुझे, मजबूरी में खा रही हूँ, डाइट में इसलिए खा रही हूँ। तू किस लिए खा रही है? मैं गर्मी, मैं एक साथ रोटी सब्जी नहीं खा सकती, पहले दाल चावल। क्या करना चाह रहे हो तुम दोनों? सीट चेंज। गर्मी लग रही है यार, उधर बहुत तेज गर्मी लग रही थी। मौसम आंटी मुझे भी खाना दे दो। टेमिको और भानु सामान रख के जा रहे हैं शूट करने के लिए, हमें क्विक शूट करना है और उसके बाद हम लोग आएंगे, तब सूरज भी अपना शूट करने जाएगा। 21 मिनट्स अराइवल में। और दोस्तों टेंशन ये है, ये जो शूट है थोड़ा दिन की लाइट में होना है और ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं ढंग से कर भी पाऊंगी नहीं। यानी कौन से उजाड़ में आ गए, मैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पिछले आधे घंटे से हाँ चले जा रहे, चले जा रहे, कुछ आ ही नहीं रहा यार। गाँव में से
बहुत बुरा किया, एप्स नहीं मैप्स जो भी है। मैं अभी अपना रूम ठीक कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे भी निकलना है शूट पर। तो आज के शूट्स के आउटफिट्स मेरे ये हैं, एक आउटफिट ये है और एक आउटफिट ये है। तो ये तो मैं यशी फ्री हो जाएगी उसके बाद शूट पर जाऊँगा। सो और अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी ये कबर्ड ना बहुत ज़्यादा भर चुकी है, इतने सारे चश्मे और ये सब हो गए हैं कि ये यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं एक साथ, इतना ऊपर तक भर जाता है इसके अंदर, नीचे 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 कपड़े दबते जाते हैं। अभी इतने कपड़े और बाहर पड़े हुए हैं तो मुझे फील आ चुका है कि अब मुझे थोड़ा बहुत सेट कर लेना पड़ेगा ऊपर वाली जगह पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर इतनी बड़ी वार्डरोब है उसमें मैं अपने नए नए जो कपड़े हैं जो शूट्स के लिए काम में आते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट कर दूँ। तो अभी इसी काम में लगते हैं और यहाँ सिर्फ मैं वो कपड़े रखूँगा जो मेरे डेली वेयर के ओनली, क्योंकि मेरे साथ बार बार ये हो रहा है कि मैं कोई ना कोई जीन्स या कुछ ढूंढता हूँ वो मुझे उस टाइम पर नहीं मिलती, फिर दो तीन दिन बाद अचानक से कपड़े निकालते करते वो मिल जाती है। तो अभी मैं एकदम अपने चीज़ों को ऊपर जमा कराता हूँ। ये देखो एक एक दो दो चश्मे खरीदते रहते हैं और उसके बाद इतने सारे चश्मे हो जाते हैं और इनमें से पहनने वाले फिर एक दो ही फेवरेट रहते हैं, जैसे करंट में मैं ये सबसे ज़्यादा पहनता हूँ और जो दो पहनता हूँ वो दोनों के दोनों कार के अंदर रखे हुए हैं, बाकी ये सब ऐसे ही रखे रहते हैं, ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, कोई कोई पर्टिकुलर शूट्स के अंदर यूज़ आते हैं बस। और सबसे ज़्यादा जो मैंने कोई चश्मा पहना ना वो ये वाला है, मैंने और यशी ने, ये प्राडा वाला। फिलहाल इन सब में सिर्फ एक ही एक्सपेंसिव है, बाकी ये ओके ओके इस प्राइस का है, बाकी सब रीजनेबल है, ऐसा कोई एक्सपेंसिव और बहुत बड़े ब्रांड के और ऐसे नहीं है। तो इस नीचे से खाली करके मतलब आधा उधर शिफ्ट करके आधी चीज़ हम यहाँ लेकर आ गए हैं और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं अपना पूरा सेटअप कर लेता हूँ, ये मेरे चश्मे परफ्यूम स्किन केयर वगैरह ये सब यहाँ रख लूँगा। अब ये डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। सबसे इजी चीज़ है कि जो जहाँ दिख रहा है वो पटक दो यहीं पर, हो जाएगा सेट, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल है, स्किन केयर वगैरह सब यहाँ आ जाएगा, परफ्यूम यहाँ आ जाएंगे, आई थिंक ऐसे सही हो जाएगा। ऑल सेट, अब एकदम खाली खाली हो गया ये पूरा एरिया। ये मैं ज़्यादा खोलता नहीं क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं, कुछ सर्दियों के कपड़े मैंने ऊपर पहुँचा दिए, ये मैंने सेट कर दिए, ये सिर्फ रोजाना डेली पहनने के कपड़े हैं। और आई होप यशी और वो टाइम से आ जाएँ तो इसका काम आ जाए, नहीं तो इनको भी मैं वापस उठा के अभी यहाँ रख दूँ ताकि जब भी शूट करने जाऊँ तब पहन लूँगा, वापस निकाल लूँगा। यार मुझे ना पर्टिकुलरली अब ज्वेलरीज के लिए अच्छे बॉक्स चाहिए होंगे क्योंकि इतनी सारी ज्वेलरी है ये सब ऐसे मिक्सअप होकर पड़ी रहती है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स चाहिए मुझे। हम लोग का शूट खत्म हो चुका है और ये है दाल पकवान और न्यूडल्स। मैंने तो इन दालों में से कुछ भी नहीं खाना, भेलपुरी जो खाएगी अब कोई एडिट बना देगा, मैं दो मिनट बाद खाती हुई दिखूंगी तो दिखूंगी नहीं, अभी तो नहीं दोस्तों नहीं खाऊंगी, आई स्वेयर मैं नहीं, मैंने सिर्फ स्वेयर बोला है, किसकी स्वेयर, किसी की स्वेयर नहीं बोली, तो टूटी जा सकती है। मैंने अपने लिए भेलपुरी मंगवाई थी, भानु मेरे लिए कहीं से भी भेलपुरी ढूंढ के लाया। फाइनली लंबे दिन के बाद हम जा रहे हैं घर, घर इज द बेस्ट प्लेस एवर। दोस्तों तुम चले जाते हो आते ही नहीं हो टाइम से, आज जो हमारे साथ गूगल मैप्स ने किया है ना, क्या हुआ जाते वक्त हमें एक घंटा पता लग गया, आधे घंटे के उसके लिए। अरे नहीं यार बहुत अंदर अंदर से लेके गया, ये तो बिल है, मैं पागल हो गई। कोई बात नहीं, हो गया ना छूट अच्छे से। हाँ कुछ खा के आए तुम लोग? हाँ भेलपुरी। भेलपुरी खा गई? खाने ही खा लेती कुछ नहीं, इसे प्रॉपर खाने यार, ऐसे मुंह के साथ इतने मेकअप के साथ कौन खाता है? क्यों मेकअप चला जाएगा पेट के अंदर? नहीं मैं मेकअप में खाना नहीं खा सकती। इसका लॉजिक? इसका लॉजिक है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती। तो रिटायरमेंट की पार्टी में जाके आए? अरे आप लोग बड़ी पार्टियां वार्टियां कर रहे हो। हमारे नए नए पड़ोसी कैसे नजर आ रही है मेरे को? नई टी शर्ट पहन ली इसने, शायद टी शर्ट भी पहन ली और फेस भी कुछ अलग ही नजर आ रहा है, आज क्या बात है? सर्जरी करा के जस्ट अभी न्यू में सर्जरी करा के यू गाइस, तो इसलिए खींच लिए होंगे तेजी से, करवाई है चेहरे की करवाई है होते हैं। तो रसमलाई थी खाने में। अच्छा एक बात बता, रसमलाई कितने तरह की होती है? एक ही तरीके की होती है। कैसे होती है? एक पीने वाली होती है, खाने वाली होती है। ये क्या मतलब है? अब वो तुम नहीं समझोगे, अभी खाते ही नहीं हो तुम क्या जानो। और मीकू विवरण दे सकती है रसमलाई के बारे में? यार बहुत कम हो गया, बहुत फर्क पड़ गया। बिल्कुल ही मतलब कुछ आता ही नहीं है काम आपको, अब घर में आप काम फैलाते हो गए पक्का, दिख गया मुझे अभी से। आपके कॉलोनी के सब रिटायर्ड हो गए, अब तो आप भी रिटायर ही हो, तो अब ऊपर अभी ऊपर जो गार्डन बनाए उसमें सारे रिटायर्ड आदमी एक साथ बैठा करो, माहौल बनाया करो। ये तो सोचा ही नहीं था। आज इनके खाने में क्या है? रोटी का पिज्जा। रोटी क्या पराठे? खा के देखो बहुत अच्छा। हाँ मुझे पता है बहुत टेस्टी है, मैंने एक बार उसके लिए बनाया था फेसबुक वाले उसके। वही है? हाँ वही तो है, सेम। उसी दिन तो डिस्कवर हुई थी ये भयंकर चीज, मेरे को लगा इसने करी है। नहीं नहीं उसी दिन तो डिस्कवर हुई थी, उसके बाद से मस्त मतलब बनने लग गए। और ये देखो क्या बढ़िया तरीके से बना रही है, खाए भाई उठा के दिखा दे दोस्तों। पिज्जा है रेडी, क्या आप खाने के लिए रेडी है? गाइस मैं नहीं दूंगी यार मेरा पिज्जा यार, प्लीज यार। चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। मेरा तो भाई खाना वाना हो गया,
मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने आज खाया डोसा। सूरज आज मुझे डोसा खिलाने के लिए लेकर गया था और उसको पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मुझे बोला डोसा खाने चलेगी। मैंने कहा नहीं की और पूछ पूछिए, कोई पूछने की बात है, चलो बता। तुम पहले तो मुझे बता कि मुझे डोसा खिलाने आज कैसे लेके गया तू? आज तू काम कर रही थी, तेरा मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ, एक वीडियो थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि इसका मूड ठीक कैसे करूं। मूड ठीक करने का तरीका है इसको डोसा खिलाने ले जाओ। इसको अच्छा सा कुछ खिला दो, इसका मूड ठीक हो जाता है। हाँ, मतलब तो इसको मैंने तुरंत बोला ले डोसा खाने चलते, जैसे मेरा मूड से खराब है ऐसे मुंह में मेरा खाना भर दो। वैसे ऐसे ना बच्ची एक रोज धीरे धीरे से उसको आइसक्रीम दिखाते तो ऐसे खुश हंसने लग जाती, सही मैसेज इसके सामने से डोसा रख दो तुरंत चेंज मूड। यार बता, एक तो हम लोग भूखे भी थे, दूसरा हम लोग बहुत ज्यादा, मेरे को पता सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब मेरा टाइम वेस्ट होता है, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा खाने में आज। अपने 15 मिनट वेस्ट कर दिए थे, पता ही है। अरे नहीं, काम के टाइम यार, काम के टाइम टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले मैंने भी काम खत्म कर दिया, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी वो मैंने लिख दी, मुझे तो लिखनी है अभी दो। ओ सूरज तू चिड़चिड़ा हो तो तेरे सामने क्या करो, मेरे से तो दूर चले जाओ तुम। वो तो मेरे से भी नहीं, वो तो गुस्सा चिड़चिड़ा बोल रहे, गुस्से की बात अलग होती है। हूँ तो यार खाने से होगा चिड़चिड़ा, तो खाना खिला दो। चिड़चिड़ापन तो यार भूखे रहोगे ना तो ही आता है, ये चीज तो मैंने भी देखी है। और सूरज मुझसे गुस्सा हो जाओ तो बताओ क्या करना है, अगर मैं गुस्सा होगी तो क्या करना है? मेरे से तू गुस्सा होगी तो हाँ, तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को इंतजार करना है कि तेरा मूड कब ठीक होगा, तू खुदा के बात कर ले। देखा देखा, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालता है, मैं उस टाइम सुनती नहीं हूँ, उस टाइम मैं बहरी होती हूँ, एफर्ट्स में नहीं सुनती एकदम। तू भी गुस्सा होता है तो तू भी नहीं सुनता, समझा? अरे जा, क्या सच बोल रही हूँ? मुझे बनाना इजी है, तेरे को बनाना मुश्किल है। कुछ भी नहीं है इजी। देखो मैं आपको एक सच्ची फन फैक्ट इट्स नॉट अ फन फैक्ट बट एक और चीज मैं आपको मतलब एक लड़कों का एक फैक्ट बताती हूँ। लड़के का हमेशा ये सोचा था कि और लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, यू नो वो नाराज हो रही तो पागल हो रहा है। लड़के भी जब नाराज होते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते, वो सच बोल रही हूँ ना? सीरियसली। और मुझे लगता है कि लड़के ज्यादा सीरियस नाराज होते हैं, लड़कियां तो फिर भी मान जाती है। ओए ओए सुन, ओए किससे पूछ ले, तू तेरे से मैं नाराज होता हूँ 15 मिनट में तू मना लेती है, और तू नाराज होती है 5-5 दिन लगाती है। बता दे सच बात है क्या? बता दे क्या, मैं नाराज हो जाता हूँ पता चलता है मुझे इसको मनाना पड़ता है कि मेरे लास्ट तू मेरे से नाराज, मैं बताती हूँ तुझे 2023 में हुआ था तो अब मैं नाराज ही नहीं होता, मैं सालों में मैं भी 11 महीने पहले नाराज हुई थी। अब बोल, वो नोट्स बना रखे ना इसने उस दिन के अभी तक पड़े हैं रखे। कल परसों मेरे ना वीडियो आ गया था 11 महीने पहले। हम लोग रोज नहीं लड़ते, नाराज नहीं होनी चाहिए। वो तो गलती करेगा तो होंगी ना, ऐसे थोड़ी फालतू ही नाराज होकर बैठ जाऊंगी मैं, करती हूं वो तो है ही, वो गलती मेरी हो जाती, करती तो तू ही है। ओ यस यस दैट्स सो ट्रू दोस्तों। चल जाके, तू पिज्जा बना रही है? हाँ, रोटी के पराठे, रोटी का पिज्जा, एक्चुअल में बेले की सब्जी थी। अरे टिंडे, कल भी से पिज्जा रखा है, गट्टे की सब्जी का पिज्जा नहीं। अरे नहीं, रोटी के ऊपर पिज्जा सॉस, उसके ऊपर चेडर चीज, और उसके ऊपर सब्जियां, और उसके ऊपर ऑरिगेनो और चिली। और मैंने तो इजाद करी है, ये भयंकर टेस्ट लगता है, भयंकर टेस्ट सच में, बहुत टेस्ट करेगा, एकदम थिन क्रस्ट लगता है, एकदम थिन, बहुत टेस्टी एकदम। ये तुमको पानी मिल रहा है, मुंह में पानी आ गया, खाया तूने पिज्जा? यार हम लोग है ना डोसा खाने गए थे तो भानु ने बोला था दीदी मिले, मतलब मैंने इसको बोला मैं चल रहा है, बोले हाँ चल रहा हूँ, फिर बोल रहा है इसको ना कुछ काम था, तो मैंने कहा यार भानु चल तू काम करा, मैं पैक करा के ले आऊंगी। बोल गई मोटी खाया ही बस ठूसी आई याद नहीं रहा। अरे यार वो दुकान बंद कर रहा था ना तो वहाँ पे पुलिस घूम रही थी, और वो क्या बैठ के खाने नहीं दे रही थी, और उसके पुलिस के और उसके टेंशन में जल्दी खाने के टेंशन में भूल गए। और पता देखो वो दो एक्स्ट्रा लेकर भी आया था, याद है वो प्लेट में लिया आया था, फिर हमने कहा था नहीं चाहिए प्लेट, और पैक कराने भूल गए। अरे हमने 6 कर दिए थे ऑर्डर, दो पैक बोले दो और ऑर्डर किया, मतलब है ना, मतलब ऑर्डर तो कर दिए और बाद में ना एक उसमें से लेके और खा लिया, ये बोले अब भैया ले आया था लाओ एक दे दो खा लेना। हमने सही ऑर्डर किए थे। और यार मस्त लग रहा है यार ये तो, रोटी के पराठे, रोटी का पिज्जा, कल भी यही खाया था मैंने तो, आज भी यही खाया। रू क्या बोलती है दया, पटोदन भाई के पराठे। यार खा यार पराठे, क्या हो गया, खाओ तुम, बहुत टेस्टी है, मेरा पेट भरा हुआ है यार। मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने मेरे को आते ही नहीं, तेरी मम्मी को बनाने, मैं तो 4 पराठे खा जाती हूँ। क्या बहुत पसंद है भाई मेरे को तो, 8-10 दिन तो उनके पास की नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि उनसे पैकिंग वही नहीं हो रही, शिफ्टिंग नहीं हो पा रही भाई साहब, वो अंकल इतना काम करते लेकिन उनसे शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। अरे वो धीरे धीरे अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि उनको बोल दिया 2-4 लोग हमारे फ्लैट की करवा देते हैं वो एक दिन में ही। हाँ खुद की वो कर रहे हैं आराम से,
तो उन्होंने खुद की पहले कभी नहीं करी, हमने फ्लैट की तो दो बार हो गई। क्या लग रहा है मुझे, पता क्या लग रहा है, वो कुछ सामान निकालते होंगे, उसके उसके बारे में बात करते होंगे, ये साड़ी कहाँ से आई थी, ये वो देखे गई थी अपने आपके जो सासू माँ की वो है ना गाँव की और उनकी पड़ोसर वो एक्चुअली चीज सुरु लोग अपना घर पहली बार शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी शिफ्ट ही नहीं किया, एक ही मम्मी ने एक बार शिफ्ट किया होगा शादी के टाइम, चीजें निकल रही होंगी शादी की, ये देखो आपको ये वरमाला पे नहीं थी, वरमाला मम्मी ने तो क्या मानेगा, वरमाला के जो फूल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो जाते हैं उनको भी इसे पैक करके रखा हुआ है, दिखा रही हूँ ये देखो संभाल के वो रखा है शादी की ड्रेस रखी है, ये सीन हो रहा होगा, ये रुमाल रखे हैं, लव बर्ड्स बन गए ये देखते बन गए क्या, वो तो हैं उनकी तो शादी हो गई, अरे मतलब वो कहते हैं ना एकदम ख्याल पुलाव में, क्या कमेंट आते हैं सुयश अंकल आंटी भयंकर सीन है, भयंकर सीन वो तो यार डैडी है भी तो फिर भयंकर बातें भी तो कैसे करते हैं, अपनी शेरवानी निकालते होंगे फिर बोलते होंगे याद देखा तुझे ये दिन कैसा लग रहा था मैं उस दिन डैडी फिर क्या बोलते हैं, भाई मैं तो पार्लर भी नहीं गया था, वो जो पेड़ के नीचे नहीं होता उससे बैठ के वापस आया था तैयार होकर, पहले तो यही चलता था इसमें क्या है, लेकिन तेरी मम्मी तो फिर भी पार्लर की हो, तो वो तो नो डाउट बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन पहला पार्लर खुला हो जयपुर के अंदर, ये हो सकता है पक्का है पक्का, पता नहीं यार ऐसे मम्मी ने कभी बताया नहीं, डैडी ने तो बताया था, अंकल तो फुल सॉलिड आदमी है वो तो घर पे बना लेते हैं, तो वो बारात का टाइम हो गया कर ले वो 20 साल पुराना वो शेविंग किट आज भी उनके पास है, उसी में रखेंगे सब कुछ, हाँ डब्बा चाहे वो डब्बा टूटने को आ गया हो उसी में ही रखेंगे, यार ये तो अंकल का भयंकर सीन है यार, कोई चीज पुरानी नहीं होने देते, फेंकने नहीं देते, फेंकने नहीं देते।